दोस्तों, अगर आप भी सिंपली चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की एआई इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो ये आप कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम एआई इमेजेस जनरेट करने की बात करते हैं तो इन दिनों सबसे ज्यादा पॉपुलर है मिडजर्नी। लेकिन अगर आप मिडजर्नी पे विजिट करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे इन दिनों बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से अगर आपका फ्री अकाउंट है तो ऐसे में बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप अपनी मन पसंदीदा इमेज जनरेट ही ना कर पाए, क्योंकि अगर आप प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वहां पर सिंपल सा आपके सामने मैसेज आता है क्योंकि आप एक फ्री सब्सक्राइबर है। इस समय नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए आपको आपकी इमेज फिलहाल ये जनरेट करके नहीं दे सकते। अब ऐसे में अगर आपको इमेजेस को जनरेट करना है और पैसे खर्च भी नहीं करने तो चैट जीपीटी ही आप इस्तेमाल करके इस तरीके की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सिंपली अगर आप चैट जीपीटी से जाकर पूछेंगे कि क्या आप हमारे लिए एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं, तो वैसे तो चैट जीपीटी आपको सिंपली ये बता देगा कि चैट जीपीटी सिर्फ आपको टेक्स्ट में रिजल्ट देता है, ये आपके लिए इमेजेस जनरेट नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में एक जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो भी इमेज जनरेट करनी है आपको चैट जीपीटी की सहायता से उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं। सपोज मुझे मान लीजिए कोई भी इमेज जनरेट करनी है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ मुझे ये एक इमेज जनरेट करनी है जिसमें कुछ सोल्जर्स हैं जो पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए सिंपली प्रॉम्प्ट लिखवाऊंगा अपने चैट जीपीटी से कि आई वॉन्ट टू जनरेट एन इमेज वेयर द फ्यू सोल्जर्स आर राइडिंग द माउंटेन, प्लीज राइट डाउन द प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस। इसके लिए मैं इससे प्रॉम्प्ट लिखवा लूंगा। यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट्स मेरे सामने आएंगे उन प्रॉम्प्ट्स को मैं सारे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करूंगा, एंड कॉपी करने के बाद अगले स्टेप में आपको यूज करना है बींग चैट का। इसके लिए यहाँ पे मैं इज वेब ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इस ब्राउजर को ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ से हम बींग चैट पे जाएंगे। बींग चैट पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है प्लीज जनरेट ए इमेज ऑफ। इतना लिखने के बाद आपने जो भी टेक्स्ट वहां से कॉपी किया था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे पेस्ट करके आप सर्च करेंगे थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यह इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है। थोड़ी सा आपको वेट करना होगा और यहाँ पे आपको ये रिजल्ट दे देगा। हालांकि रिजल्ट्स उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने आपको मिडजर्नी पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली आपसे डील कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि और भी रिक्वेस्ट जो डाली गई है वहाँ पे वो भी आपको दिखाए। आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाएगा, आपको जो भी ऑप्शन पसंद आए उनमें से चारों में से आप उस पर क्लिक करें और उसे डाउनलोड कर ले। इसके साथ साथ अगर डायरेक्टली आप अब वापस चैट जीपीटी में नहीं जाना चाहते, यहीं पे आप अगर प्रॉम्प्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं तो बींग चैट पे ही आप डायरेक्टली उस प्रॉम्प्ट को लिखिए और यह आपके लिए इमेजेस को जनरेट करके दे देगा। हालांकि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कोई वायलेंस की इमेज या कोई सेक्चुअल हैरेसमेंट का इमेज आप यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली आप अगर किसी स्टोरी वगैरह के लिए आप कोई इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से बींग चैट एआई और चैट जीपीटी दोनों की हेल्प लेकर आसानी से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर हिट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।